हेलो स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर जो है इंडियन ज्योग्राफी का फोर्थ लेक्चर पड़ेगा जाकर के। कौन सा लेक्चर है ये? आजी फोर्थ लेक्चर पड़ेगा जाकर के ये। और हम लोग थोड़ा जानेंगे, आईजी फोर है, हम लोग जानेंगे आज एडम्स ब्रिज के विषय में। एडम्स ब्रिज पार्क बे, गल्फ ऑफ मन्नार, रामेश्वरम एसेट्रा एसेट्रा जो भी है, इन सब के विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रा द सदर्न मोस्ट इंडियन मैप। थोड़ा सफाई से काम करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ थोड़ा ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को देखना पड़ेगा। फाइन, दिस इज द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड द श्रीलंका, एंड द श्रीलंका इज सिचुएटेड हियर। ठीक है, ऐसा कुछ ये सीधे मिलेगा जाकर के, इसे कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मोटा इतना होता रहता है। ठीक। द श्रीलंका ये हो गया आपका इंडिया, ज्यादा गंदगी नहीं फैलाएंगे। ये हो गया आपका श्री लंका। फाइन। देखिए, जो बाइफरकेट करते हैं हम लोग, एडम्स ब्रिज है वो यहाँ पे स्थित है, राम सेतु जिसको बोलते हैं, आदम जात का, आदम का पुल, आदम का पुल जो भी है, आदम का पुल जो भी है वो उसे बोलते हैं। देखो एडम्स ब्रिज है, हिंदी हिंदी शायद में आदम का पुल बोलते हैं उसको। एक बे हम लोग नीले से खींचते हैं पानी को, ठीक है। अच्छा सा डायग्राम हम लोग खींचेंगे। ये जो पोर्शन है ये वाला, ये है पाक बे, पाक की खाड़ी। फाइन। ये है गल्फ ऑफ मन्नार, फाइन। ये है आपका एडम्स ब्रिज रेड वाला, एडम्स ब्रिज। ओके, आई एम सॉरी यार, फोन आ गया था। ठीक, ये हुआ एडम्स ब्रिज। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एडम्स ब्रिज, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, इतनी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। ठीक है। एक्चुअल में पाक स्ट्रेट किसे कहते हैं? स्ट्रेट्स होते हैं वो चीज़ें हैं जो दो वाटर बॉडीज को अलग अलग करते हैं। तो कुछ फैक्ट्स यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, अगर देखा जाए। चलिए एक और चीज़ हम बना देते हैं यहाँ पे, जो पंबन आइलैंड है वो यहाँ पे पड़ता है। कौन सा? पंबन आइलैंड। ठीक। इसी पंबन आइलैंड पे, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, रामेश्वरम स्थित है। एक बार नहीं, हजार बार क्वेश्चन पूछा गया है, रामेश्वरम, रामेश्वरम स्थित है। एक बार बैंक आरआरबी, आरआरबी बैंक पीओ के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, आरआरबी बैंक पीओ 2016, जब मैं पेपर दिया था बैंक का,
तब वहाँ पे इसे पूछ लिया गया था ये पोजीशन कहाँ पे है, किस आइलैंड पे स्थित है। और आल्दो ये एसएससी और जीएस में तो पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है क्वेश्चन, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बट ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। जब मैं चार बार चिल्ला के बोलूँ तो आप उसको नोट दीजिए, ठीक। ऑल्दो ये पूरा डायग्राम ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनते हैं। अब थोड़े फैक्ट लिख लेते हैं, ये तो डायग्राम हो गया, कुछ फैक्ट्स लिख लेते हैं इनके विषय में। तो पहला पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि जो पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट जल डमरू मध, पाक जल डमरू मध, पाक स्ट्रेट, ठीक है, वो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है, किसके किसके बीच में, तमिलनाडु मतलब हम लोग बात करेंगे इंडिया की, नॉट ए तमिलनाडु, ठीक है, इंडिया, तमिलनाडु एंड एंड श्रीलंका के बीच स्थित है, ठीक। श्रीलंका SRI लिखना आप लोग, ठीक है, SRI श्रीलंका। किस, ये तो मेन लैंड हो गया, ध्यान से देखिए, इंडिया और श्रीलंका तो क्या हो गए, लैंड हो गए, लेकिन किस वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, तो वाटर बॉडी, किस वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है पाक बे और बे ऑफ बंगाल को, पाक बे एंड बे ऑफ बंगाल। कहीं से भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका, इतना ख्याल रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो मैं अभी बिल्कुल क्रिटिकल चीजें पढ़ा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इन लेक्चर्स को आप इग्नोर कतई नहीं कर सकते हो, ठीक। ये हो गया आपका, दो पॉइंट यहां से बन गए। द थर्ड वन, एडम्स ब्रिज इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थित है, मींस तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है, ओके। एडम्स ब्रिज तमिलनाडु मींस इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थित है, ठीक। पंबन आइलैंड के विषय में हम लोग बात करेंगे, ये पंबन आइलैंड जो है वो एडम्स ब्रिज का ही एक पार्ट है, ठीक है। रामेश्वरम के विषय में हम क्या कहेंगे, सॉरी, रामेश्वरम, रामेश्वरम सिचुएटेड है पंबन आइलैंड पर, ध्यान से देखिए, पंबन आइलैंड खुद पार्ट है एडम्स ब्रिज का, ठीक है, और पंबन आइलैंड पर रामेश्वरम स्थित है, समझ रहे हैं आप। अब अगर डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखो तो पाक बे ऊपर साइड है और गल्फ ऑफ अन्नार नीचे साइड है, किसके, एडम्स ब्रिज के, मींस पाक बे इज नॉर्दर्न टू एडम्स ब्रिज एंड गल्फ ऑफ अन्नार इज सदर्न टू एडम्स ब्रिज। तो लिख लो, अगर ये एडम्स, यहां हम लोग डायग्राम बनाते हैं, एडम्स ब्रिज, अगर ये एडम्स ब्रिज है तो ऊपर साइड मींस नॉर्दर्न साइड आपको मिलेगा पाक बे और नीचे साइड मींस सदर्न साइड आपको मिलेगा गल्फ ऑफ मन्नार, मुझे नहीं लगता है कि अब इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को सॉल्व करने में कोई भी समस्या होने वाली है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका एडम्स ब्रिज, पाक बे, गल्फ ऑफ मन्ना, रामेश्वरम, इन सब चीज़ों के विषय में जानकारी। ठीक, तो ये भी एक शॉर्ट लेक्चर हो गया। एक और मैप हमारा यहाँ पे डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट मैप जो होगा हमारा वो होगा आपका आइसलैंड, मीन्स अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ओके, तो वेट करिए और वो आप लोगों को जल्द ही मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जितने भी न्यू कमर्स हैं। और लेक्चर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए और फीडबैक दीजिए। धन्यवाद।